सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, मान लो Q0 का पोजिशन वेक्टर R0 है, Q1 का R1 है, Q2 का R2 है, Q3 का R3 है, और मुझे नेट फोर्स Q0 पे निकालनी है, तो Q0 पे एक फोर्स कौन लगाएगा? Q1, कितनी? F01 वेक्टर रिपेल करेगा। Q0 पे सेकेंड फोर्स Q2, F02, Q3, F03। तो नेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो नेट फोर्स है वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम है। अब वेक्टर सम में F01 की फोर्स की वैल्यू कितनी है? 01 का मतलब है Q0 Q1, तो 1/4πε0 Q0 Q1 by R01 का स्क्वायर, और पीछे R01 का कैप अपने मन से लगा दो, यूनिट वेक्टर R01 का मतलब जो इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो ये वैल्यू आ गई, वैल्यू एंड डायरेक्शन, और डिस्टेंस भी इमेजिन कर लो इनके बीच में R01 है। फिर 02 में Q0 Q2 by R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, एंड सो ऑन। फिर कॉमन निकाल लो, ये टर्म आ जाएगी, क्या बचेगा? Q1, ये टर्म बच गई। इसको समेशन की फॉर्म में मैथ्स में लिखते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 की जगह QI, R01 R02 R03 R0i कैप, R01 स्क्वायर R02 स्क्वायर R03 स्क्वायर R0i स्क्वायर 1 से n। पेपर में नहीं आता, इसलिए करवाया कि आपको लैंग्वेज समझ में आए, कोई किताब पढ़े तो आपको पता लगे कि ये मुझे आता है, लेकिन न्यूमेरिकल में लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सुपरपोजिशन न्यूमेरिकल में लगाना आ गया तो न्यूमेरिकल वाला सुपरपोजिशन ही आएगा।